हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे बूलियन थ्योरम चल रहा था और उसके अंदर एक अच्छी सी थ्योरम है जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमने जो यूनिट नंबर 3 चल रहा है डिजिटल सर्किट्स, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो डी मॉर्गन थ्योरम है ये किस लिए यूज की जाती है? इनवर्जन के लिए यूज की जाती है। किस तरीके से इनवर्जन? जैसे कि हमने नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट और इन सब के बारे में बात करा था, तो उन्हीं के लिए ही इस तरीके से अपनी थ्योरम बनी हुई है। तो इस थ्योरम में ये बताया गया है कि थ्योरम इज यूज टू इन्वर्ट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कोई भी आपके एक्सप्रेशन आपने जो टर्म ले रखा है, आपको अगर उसको इन्वर्जन करना है, इन्वर्ट के लिए उसका यूज किया जाता है। प्रतिलोम की आप बात कर सकते हैं, उसके लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, तो दिस थ्योरम आल्सो रिवील्स द प्रेशर ऑफ ड्यूलिटी प्रिंसिपल इन बुलियन एलजेब्रा। यानी कि होल एलजेब्रा कैन बी डिसाइडेड डिराइव्ड बाय ऑल प्लस नॉट और एंड प्लस नॉट। यानी कि आपकी जो पूरी एलजेब्रा है, बुलियन एलजेब्रा, ये सिर्फ दो चीजों से डिराइव की जा सकती है। किससे? अगर आप ऑल प्लस नॉट की बात करते हैं, और प्लस नॉट की, या फिर आप बात करते हैं नॉट प्लस एंड की। ठीक है, ये इन दो से आप डिराइव कर सकते हैं, जिसमें ये तो बन जाता है आपके पास में नॉर और ये बन जाता है नैंड। ये दो ड्यूलिटी से आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो डी मॉर्गन थ्योरम है, इसके टू पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है बेटा जी आपके पास? टू पॉइंट्स है। पहला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एंड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू द और ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स और इनवर्स वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। यानी कि अगर आपके कोई भी जो आपने ऑपरेशन एंड ऑपरेशन यूज कर रखा है, वो इन्वर्जन के किसके और के इन्वर्जन के और ऑपरेशन के इन्वर्जन के इक्वल में होता है। किस तरीके से होता है वो हम मैथमेटिकली इस चीज को देखते हैं। ये होता है ए बी सी डी, सब पे बार है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये जो जरा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं कंप्लीट आप एंड की बात कर रहे हैं ए बी सी डी की और उसके बाद की बात कर, तो किसके बराबर होगा? और एडिशन के, यानी कि आपने वहां पे एडिशन यूज दे दिया है सबको अलग अलग करके, आपने सब कुछ सेपरेट कर दिया ए बार बी बार सी बार डी बार, वरना आप ए बी सी डी का कैलकुलेशन करते हैं उसका बार करते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ये डी मॉर्गन थ्योरम होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है बेटा जी की द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यानी कि आप इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट जब आप देते हैं जो आपने एडिशन कर रखा है, वो किसके बराबर होता है? इसके पर्टिकुलर अलग अलग मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी कैसे? देखो अभी क्या करा था, एंड वाले को अलग करा था, अब आप ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस सी प्लस डी। अगर इनका आपका आप कॉम्प्लीमेंट यानी ये बार लगा के रखते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ए बार मल्टीप्लाई विद बी बार और सी बार इसके बराबर होगा। यानी इस तरीके से आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने क्या बोला है कि टू इन्वर्ट एनी बुलियन एक्सप्रेशन डिलीट द इन्वर्ट साइन वेयर एवर इट इज प्रेजेंट, वेयर द इन्वर्ट साइन इज नॉट प्रेजेंट अप्लाई द इन्वर्सल साइन, रिप्लेस द एंड ऑपरेशन बाय और ऑपरेशन एंड रिप्लेस द और ऑपरेशन टू एंड ऑपरेशन। यानी कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो जहां पर पार लगा हो, इन्वर्जन लगा हो, उसको हटाओ, उसको नॉर्मल कर दो, और जहां पे नहीं लगा हुआ वहां बार लगा दो, और एंड ऑपरेशन को और में कन्वर्ट कर दो और को एंड में कन्वर्ट कर दो। ये अपना होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कि ब्रेक द लाइन रिप्रेजेंटिंग इनवर्स ऑपरेशन एंड रिवर्स द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशनल इन्वॉल्व। यानी वही बात है, सेम जो अभी यहां पर बोली गई है कि आपको उसको इन्वर्स करना है। अगर आप बात करते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी डी मॉर्गन थ्योरम है वो क्या बताती है, किस तरीके से आपको इन्वर्जन वगैरह करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे बोलते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी, यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना हो किसी
ए बी बार प्लस सी, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना और डी मॉर्गन थ्योरम के हम क्या करेंगे, फाइनल जो इसका ऑपरेशन है यानी जहां एंड ऑपरेशन लगा हुआ उसको उठा के ओड करो, जहां ओड लगा हुआ उसको एंड करो, जहां पे बार लगा हुआ है यानी जहां पे इन्वर्जन है उसको उठाओ, उस पर नहीं है उस पर लगा हुआ, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, आप देखो सिंपल सा सीन, ए बी के बीच में क्या है एंड ऑपरेशन लगा हुआ है उसको बढ़ाओ आप और ऑपरेशन, यहां पे आपके पास में और ऑपरेशन लगा हुआ है इसको बनाओ एंड ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इस पे बात था, जहां पे बार नहीं है वहां लगा दो बार, यानी कि बन गया बार प्लस बी हट जाएगा यहां से बार और यहां पे बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसके सिमिलर हो जाती है, ठीक है। ये इतना इसका सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास में। तो ये आप कन्वर्ट करने के बाद भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपको ये चीज एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी डी मॉर्गन थ्योरम थी कि आपको क्या करना हो, अगर आपको और ऑपरेशन को चेंज करना हो एंड में और एंड को और में कन्वर्ट करना हो, उसके साथ में आपको उसके साइंस को यहां से चेंज करना पड़ेगा, इनवर्स करना हो आपको उसका, तो हम डी मॉर्गन थ्योरम का यूज लेते हैं, जो कि काफी इजी सी है, लेकिन एग्जाम के रिगार्डिंग बूलियन थ्योरम और जो अलग से सेपरेट आपको डी मॉर्गन थ्योरम में पूछी जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में डिजिटल सर्किट्स के। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, नोट्स बनाते रहो और सिलेबस रनिंग में है उसका ध्यान रखें आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।